वेलकम फ्रेंड्स, इंडियन जीके गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपको सरोजिनी नायडू के बारे में सारी जानकारी दूंगी, जो आने वाला सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। फर्स्ट, सरोजिनी नायडू का जन्म कब हुआ था ना, 1879 में सरोजिनी नायडू ने जन्म ग्रहण किया था। और मृत्युवरण कब किया था ना, 1949 में सरोजिनी नायडू मृत्युवरण किया था। नेक्स्ट या जो कि बात प्लेस हैदराबाद, हैदराबाद अभी कहाँ पर है ना, तेलंगाना में है, तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद है। इस हैदराबाद में सरोजिनी नायडू ने 1879 में जन्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट, पॉपुलर सरोजिनी नायडू कहाँ के लिए फेमस ना, नेशनलिस्ट एंड पोएट्रिस। सरोजिनी नायक एक फेमस फ्रीडम स्ट्रगलर व स्वाधीनता संग्रामी थे और एक कवियत्री भी थे, इसलिए ये भारी ये फेमस होते थे। नेक्स्ट होते थे। नेक्स्ट, मैरिड टू सरोजिनी नायडू ने गोविंद राजुल नायडू को मैरिज किया था। ये भी याद रखिए, सरोजिनी नायडू का हस्बैंड का नाम क्या है ना, गोविंद राजुल नायडू। नेक्स्ट, एजुकेशन, सरोजिनी नायडू के एजुकेशन बारे में हम जानेंगे। सरोजिनी नायडू जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था, इसके बाद किंग्स कॉलेज लंदन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इस तीनों विश्वविद्यालय में सरोजिनी नायडू ने शिक्षा प्राप्त किए थे। ये भी याद रखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये दोनों इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सरोजिनी नायडू के बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। फर्स्ट, नोन आज सरोजिनी नायडू को हम नाइटेंगल ऑफ इंडिया कहते हैं। ये भी याद रखिए, सरोजिनी नायडू को नाइटेंगल ऑफ इंडिया व भारतीय कोकिला भी कहते हैं। याद रखिए, नाइटेंगल ऑफ इंडिया और भारतीय कोकिला हम किसको कहते हैं ना, सरोजिनी नायडू को कहते हैं। ये बहुबार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन टू ऑफ इंडिया पार्टिसिपेटेड फ्रीडम स्ट्रगलर, भारत का पहली महिला थे जो स्वाधीनता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था। कौन ना, सरोजिनी नायडू। ये भी याद रखिए, भारत का पहली महिला के रूप में सरोजिनी नायडू भारतीय स्वाधीनता संग्राम में अंशग्रहण किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल लीडर सरोजिनी नायडू, सॉरी पॉलिटिकल टीचर सरोजिनी नायडू के राजनैतिक गुरु कौन थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले था। ये भी याद रखिए, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस इन 1925 इन कानपुर सेशन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आ चुका है। सरोजिनी नायडू जो भारतीय पहली महिला थे, फर्स्ट इंडियन वुमेन, जे कि भारतीय कांग्रेस में अध्यक्षता की थी 1925 में। ये कहाँ पर ना, कानपुर सेशन में, कानपुर में 1925 में जब भारतीय जातीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय पहली भारतीय महिला के रूप में अध्यक्षता की थी। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, ये भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर कौन है ना, सरोजिनी नायडू थे। और ये भी याद रखिए, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया, ये भारत का भी पहला वुमेन गवर्नर थे, कौन ना, सरोजिनी नायडू, भारत का पहली महिला गवर्नर। और उत्तर प्रदेश का भी पहली महिला गवर्नर थे, कौन ना, सरोजिनी नायडू। कब थे ना, 1947 से 1949 तक ये उत्तर प्रदेश का गवर्नर थे। ये भी याद रखिए, 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश का गवर्नर थे। नेक्स्ट, हु गेव द भारत कोकिला और नाइटेंगल ऑफ इंडिया, जो सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला और नाइटेंगल ऑफ इंडिया के उत्पादन में कौन दिया था ना, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को भारतीय कोकिला और नाइटेंगल ऑफ इंडिया बुलाते थे। नेक्स्ट, राइट इन बुक, ये भी याद रखिए, भारत कोकिला और नाइट एंगल ऑफ इंडिया, महात्मा गांधी पहली बार सरोजिनी नायडू को बुलाते थे और इस उपाधि भी दिया था। नेक्स्ट, राइटिंग बुक, सरोजिनी नायडू के कुछ फेमस पुस्तक बारे में जानेंगे। द गोल्डन ट्रेजर होल्ड, गोल्डन ट्रेजर होल्ड ये सरोजिनी नायडू का पहला पुस्तक है। ये भी याद रखिए, 1905 में ये एक पुस्तक लॉन्च किया था सरोजिनी नायडू, द गोल्डन ट्रेजर होल्ड। इसके बाद द फीदर ऑफ द डॉन, द बार्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, द बार्ड ऑफ टाइम्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है सरोजिनी नायडू के। धन्यवाद फ्रेंड्स, इसी तरह न्यू एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।